2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गया है और सारे जो चरणों के चुनाव हैं वो उनके डेट फाइनल हो चुके हैं। प्रत्याशियों के जो है नामांकन की तैयारी चल रही है। क्या कुछ इस लोकसभा में सरकार करेगी, बीजेपी करेगी और लोगों के जो वादे हैं विपक्ष में वो कितना खरे उतरेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन व्यक्ति विशेष में हमारे साथ आज बहुत ही प्रख्यात एजुकेशन सेक्टर के, सबसे पहले हम बात करें तो वो जो है बहुत ही बेहतरीन इंसान जिन्होंने लाखों लोगों के करियर और भविष्य को बनाया है, निर्माण किया है और मौजूदा विधान परिषद सदस्य होकर के सीतापुर जिले से निर्वाचित होकर के और जनता के बीच में गरीबों की सेवा भी कर रहे हैं। अब आप बहुत ही जाना पहचाना नाम है, आप जान गए होंगे जी। हमारे साथ हैं पवन सिंह चौहान जी, आप विधान परिषद सदस्य हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर को नमस्कार। सर अभी तो इस समय हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन हम बहुत कम समय आपका लेंगे क्योंकि आपका बहुत ही बहुमूल्य समय है। सर लगभग 7 चरणों के जो फेसेस हैं उनके डेट्स आ चुके हैं। पार्टी ने आपके सर लगभग जितने भी प्रत्याशी उनके नामों का जो है अनाउंसमेंट कर दिया लेकिन बहुत बदलाव नहीं किए, बहुत सारी चीजों पर बदले गए, कई लोगों को मौका दिया गया और मुझको लगता है बहुत सारे लोगों को नाराजगी भी नहीं देना चाहती है कि कहो नाराज करें, चलो ठीक है। जब तक कोई विशेष कोई बुराई नहीं है तब तक व्यक्ति को कई बार 5 चरणों में उनका फीडबैक लिया गया, समाज से अन्य लोगों में लोगों ने फीडबैक ठीक दिया, कहीं मिला जुला रुख आया, कभी अच्छा रुख आया, ओवरऑल देखा गया कुल मिला जितने भी कैंडिडेट हमारे थे वो ठीक थे, इसलिए पार्टी ने उनको दोबारा कैंडिडेट बनाने का या चुनने का मौका दिया। समान नागरिक संहिता जितने भी बीजेपी ने लगभग मुझे लग रहा है वादे किए उसको पूरा किया गया और फिर से एक बार आए और अभी गृहमंत्री जी का एक बयान आया कि NRC भी हम लागू करेंगे आगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि ठीक है ये? देखो CA तो लागू पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक्चुअल हमारी सरकार ने जो वादा किया वो करती है। अभी देखो एट ए टाइम पर जिस तरह हिम्मत जुटाना बड़ी मुश्किल होता है और अदर सरकारें इसलिए नहीं कर पाती थी, इतना डरती थी कि क्या होगा कैसे होगा। हकीकत में अगर मैं ईमानदार और ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ तो जाहिर बात है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास औरों के रिस्पेक्ट में बेटर होगा। हाँ, कभी कभी लगता है कि आदमी ना समझी में या जो भ्रामक जो हमारे प्रचार होते हैं उसकी वजह से आदमी कुछ दिन के लिए भ्रमित हो सकता है लेकिन परमानेंट नाराज नहीं हो सकता है। उसको पता है कि सरकार या पार्टी राष्ट्रहित को देखते हुए और भविष्य की योजना बनाती है, त्वरित लाभ देते हुए एक छोटी सी कोई त्वरित लाभ ले दिया और उसके पीछे बड़ी घटना घट जाए या बड़ा कोई हमारे राष्ट्र का कहीं नुकसान हो उसकी वजह से पार्टी ऐसी छोटे छोटे निर्णय नहीं लेती, बड़ी निर्णय लेती और सोच लेती कि इस राष्ट्र के निर्माण में इस निर्णय का क्या असर पड़ेगा अभी और क्या असर पड़ेगा 50 साल बाद। तो 50 साल की अग्रिम योजनाओं के देखते हुए पार्टी हमारी काम करती है। कभी कभी हमारे उसमें छोटे छोटे जो लोग होते हैं या छोटी सोच के लोग होते हैं वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं लेकिन हमसे अलग नहीं हो सकते। GST पर जो है बात करें तो विपक्ष ने बहुत लगभग जो है घेरा है आपकी सरकार को। GST आपको लगता है कि जो है कैटेगरी वाइज जो है करना चाहिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए क्या? ठीक है, मुझको लगता है GST पर शायद जितने अमेंडमेंट हुए हैं या जितने अपडेशन हुआ है आज तक हमारे अपने हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, सैकड़ों बार बैठ करके इस पर अपडेशन हुआ है और बहुत तरीके से मंथन करने के बाद में GST को और अभी भी अपडेशन चल रहा है। जैसे आपको लग रहा है कुछ एक जगहों पर जहां पर GST को अपडेट करना है तो वो अपडेशन की प्रक्रिया में है और सरकार को जहां जब उचित लगता है तो उसको अपडेशन करके अपडेट कर देते हैं और वो राष्ट्र के हित में क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए वो काम करते रहते हैं। कभी कभी जो अनियमितताएं आपके लोगों के द्वारा या और लोगों के द्वारा दिखता है अनियमितताएं हैं, कुछ ना कुछ इतने सारे डिसीजन लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा 19-20 रहता है लेकिन उसको टाइम रहते ही उसको चेंज कर दिया जाता है। बीजेपी की विशेष समुदाय या वर्ग की पार्टी है ये तो आप कह नहीं सकते हो क्योंकि हमारी पार्टी ने जितने आज तक काम किए हैं वो सर्वजन सर्वहिताय के लिए ही काम किए हैं,
सबका विश्वास, सबका साथ और सबके मदद के साथ साथ में, और सबका जो एक पूरी तरीके सबका जो हमारा विश्वास जीता गया है, तो वो एक बड़ा काम हुआ है। अभी चाहे हमारा उज्ज्वला योजना को लेकर के हर वर्ग हर धर्म को दिया गया है, चाहे हमारा उसके बाद में मकान लेकर के आवास लेकर के हर व्यक्ति को आवास दिए गए, रोड हो चाहे नाली हो, चाहे अन्न वितरण योजना हो, चाहे मातृत्व योजना हो, चाहे हमारा मान लीजिए एक्सप्रेस वे बनने हैं या एयरपोर्ट बनने हैं या अस्पताल बनने हैं, हॉस्पिटल बनने हैं, या हमारे बहुत सारे जितने भी डेवलपमेंट कार्य हो रहे हो, तो सबको सबके लिए हो रहा है, किसी विशेष समझा की नहीं किया। सर शिक्षा जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और शिक्षा से आप जुड़े ही रहे हैं। नई शिक्षा जो तक नीति आई थोड़ी दिन पहले, और आगे क्या जो गरीब समुदाय है देश का, जो तबका है ऐसा जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो सर क्या प्राइवेट कॉलेज हो या फिर जो है गवर्नमेंट हो, वहां पर जो समानता आएगी क्या, मतलब समानता जो शिक्षा नीति के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। और हकीकत में मुझको देश का सौभाग्य है कि नई शिक्षा नीति लागू हुई। देखिए पहले हमारी जो मैकालिक पद्धति था वो हमारे देश को एक क्लर्क कैसे बना जाए, ऑफिस में बैठे कैसे काम किया जाए, उस पर फोकस था। आज जो नई शिक्षा नीति है वो इसलिए बनाई गई ताकि व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बने। हम नौकरी करेंगे लेकिन नौकरी देने वाले बने, फोकस मार नौकरी देने वालों बनना है। और हमारे लगता है पूरी हमारी सरकार इस पर केंद्रित कर रही है। जिस तरह हमारा कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, राष्ट्र उत्सव हुआ करता था, तो हर गांव में हर तरीके का व्यवसाय था। गांव का पैसा गांव में, गांव में लोहार भी है, गांव में सुनार भी है, गांव में बढ़ाई भी है, गांव में नाई भी है, उसी गांव का पैसा उसी गांव में रह जाता था। आज वो कहीं ना कहीं क्यों, आप प्रोफेशनल देखा जाए तो पता लगा कि वो सब चीज़ें आज जो हमारी जो टैलेंट था, ये गाँव गाँव का टैलेंट था, वो दूर दूर बिखर गया था। अब सरकार ने व्यवस्थित करके जो हमारे नए स्टार्टअप आए हुए हैं उसकी वजह से हर गांव में रोजगार होगा, हर गांव में व्यवसाय होगा, और हर गांव में स्टार्टअप लगने की वजह से हर व्यक्ति उसके लिए जागरूक हो रहा है। अगर मैंने किया तो जो हमारा कम्पिटेटर हो वो भी कोशिश करने करेगा, 10 करेंगे निश्चित दो फेल होंगे तो 8 पास भी होंगे, तो जो 8 जो सक्सेस होंगे वो एक बियॉन्ड लिमिट जाएंगे, और उसी में एक ऐसा जाएगा जो आउट ऑफ मतलब लोगों के रेंज में होगा। तो जाहिर बात है कि हमारे स्टार्टअप की वजह से बहुत तेजी से काम चल रहा है, और हर व्यक्ति आपने देखा होगा कि 100+ अब बिलियनर हो गए, हमारे बिलियनर हो रहे हैं। और स्टार्टअप की जो हमारी व्यवस्था थी, पहले हमको 145 आते थे, अब हम लोग घट करके जस्ट बुल पा गए हैं। तो हमारा जाहिर बात है कि हम लोग इतने तेजी से स्टार्टअप लग रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो ग्रोथ दिखी जाए हम नंबर एक पर हैं स्टार्टअप में, और अनुसंधान में नंबर एक हो गए, निर्यात में हम लोग ठीक ठाक हो रहे हैं। तो इस तरह का हमारा जो स्वावलंबी हम लोग अब बन रहे हैं, तो स्वावलंबी हम लोग भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत का जो है निर्माण हो रहा है, डिजिटल इंडिया आपने बना दिया। सर स्वास्थ्य सेवाओं पर और किसानों पर, हम दोनों पर जो है बहुत कम समय में जानना चाहेंगे कि सरकार जो है अगर बनती है 2024 में फिर से एक बार आपकी, तो किसानों के लिए क्या कुछ नया लाने वाले हैं आप, चूंकि आपने व्यक्तिगत जो है विधान परिषद सदस्य जब से आप रहे हैं तब से आप किसानों के लिए, चाहे वो जैविक हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना हो, चाहे वो तमाम तरह की योजनाएं हो सरकारी, उसका आपने लाभ पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमने सर्वे भी किया था। सर क्या किसानों के लिए नया होगा और हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ नया होने वाला है, ये जो 5 लाख मिल रहे हैं इसके अलावा? देखिए दो चीजें बता दो, हेल्थ सेक्टर में आपने हर घर नल की योजना देखी होगी, हमको लगता है हर घर की योजना नल तक पानी पहुंचा रहे, पानी नहीं पहुंचा रहे, होता क्या 50% जो बीमारियां होती हैं वो जल की वजह से होती है। तो जो जल हमारा दूषित था वो जल दूषित नहीं होगा जब हम स्वच्छ जल पिएंगे, जाहिर है 50% बीमारी वो कम पड़ेगी। दूसरा हमारा जैसे आपने बात किया खेती की, खेती में पहले के रिस्पेक्ट में आजकल ड्रोन दीदी नाम सुना होगा, तो पहले जहां पर हमारा 70% या 80% जहां पर हमारी खाद लगती थी वो लगेगी 20% काम चल जाएगा, तो 80% जो 60% या जो ये जो कम हमारी खाद लगेगी या कम ये जो उसके जो विषाक्त कम हम यूज करेंगे, विष कम यूज करेंगे, तो जाहिर बात है कि हमारे उसका हेल्थ पर सीधा असर पड़ेगा। उत्पादन की तो भी कमी आएगी सर, उत्पादन कमी नहीं उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जैविक पर जो है आप बता रहे थे कि आपका भी इसमें अच्छा नॉलेज है, मुझको लगता है कि हम लोग जैविक पे जा रहे हैं। एक सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा सर, किसानों के मन में ये संशय है ना सर कि अगर रासायनिक उर्वरकों का हम यूज ना करें तो फिर जो है मुझे लगता है कि वो उत्पादन क्षमता में कमी आ जाएगी, और कृषि का जो सबसे बड़ा परेशानी है वो है आय,
और किसानों को आय कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा सर? ये मात्र सम्मान निधि से तो काम नहीं चलेगा, उनकी खेती बाड़ी कैसे पूरी? देखिए भाई, हमारे कहने से कोई कम नहीं करने वाला है, हम कितना भी कहते रहे लेकिन किसान अपनी फसल को 100% उसको रिस्पांस मिले, 100% उसको रिटर्न मिले, इसके लिए काम कर सत्या करेगा और रासायनिक खाद भी यूज करेगा, हमारे कहने से कम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैंने उसको शुरुआत कर देनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, उसके लिए मैंने हम लोगों ने क्या किया है कि उसको ड्रोन दे दी, हर गांव में बनाने की कोशिश किया है। तो जो ड्रोन दे दी, हमारे लाखों ड्रोन दे दी आ रही है, ये क्या करेंगी? मैंने बताया कि वहां पर जो छिड़काव होता था खाद का, छिड़काव होता था दवा का, मशीन का, वो छिड़काव में हम 60% 70% बचत कर लेंगे और 30% काम कर लेंगे। तो वो जो हमारी खाद है, वो हमारी जो रासायनिक जो हमारे जो कीटनाशक दवाइयां हैं, वो हमारे जो सीधा असर ज्यादा पड़ के कर हो जाता था, अब वो बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। हाँ, असर तो पड़ेगा लेकिन ये टाइम लगेगा। अभी जो 25 साल की हमारे विकसित भारत की योजना चल रही है, तो विकसित भारत पक्का बनेगा। और जिस तरह हम लोग लाखों टनों में हमारी मंदिरों में जो सोना हुआ करता था, आपको याद होगा कि 76 ऊंटों पर चाबियां लद के गई थी जब मोहम्मद गौरी और सब ये जो हमारे सिकंदर जो लाद रही, 76 ऊंटों पर सिर्फ चाबियां थी हमारी, तो अंदाजा लगाओ हमारा सोना कितना रहा होगा, हमारे बक्से कितने रहेंगे, हमारे जेवरात कितने रहेंगे, हमारे हीरे और ये मोती और ये कितने रहे होंगे, कल्पना करें आप। तो टाइम तो लगेगा, 25 साल में हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और निश्चित हम लोग बढ़ेंगे। अयोध्या मथुरा काशी के बाद में नैमिषारण्य की अगर हम बात कर लें, अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा भी हुआ और काफी दौरा भी वो कर रहे हैं, और सनातन धर्म के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सब्जेक्ट है, नैमिषारण्य का बड़ा विकास हुआ, इस पर आप जो है और भी आगे क्या वहां के लिए योजनाएं हैं और सीतापुर के लिए भी क्या क्या योजनाएं हैं ये मुझे बताएं। देखिए, नैमिषारण्य में आपने देखा होगा जैसे वर्ल्ड फेम नैमिषारण्य बनने जा रहा है हमारा, होता क्या अभी पहले विश्वनाथ कॉरिडोर बना, फिर अयोध्या बना, फिर विंध्याचल देवी मंदिर का बहुत बढ़िया से विस्तार हो रहा है। इसी तरह हमारे नैमिषारण्य को लेकर के 900 करोड़ की परियोजना नैमिषारण्य में डेवलप करने की है। मुझको लगता है जब वो पूरी परियोजना पूरी हो जाएंगी तो हमारा आज से 2-3 साल तो लगेंगे, क्योंकि 2-3 साल पर विश्व पटल में हमारा नैमिषारण्य दिखाई पड़ेगा, पहला। दूसरा, उसी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हुआ करता था, अब 13 बीघा पक्के जमीन मिल गई है, उसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़े बृहद रूप में बहुत सुंदर बनने जा रहा है। सीतापुर का रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल नैमिषारण्य के तर्ज पर, वो एक देवभूमि की वजह से उसका नैमिषारण्य एक बड़ा अच्छा स्टेशन बनने जा रहा है। इसी तरह के जो वहाँ पर एक मिल्क रोड है, एक सिल्क रोड है, मैंने भी अपने पर्सनल प्रयास से वहाँ पर मिल्क रोड, सिल्क रोड, मिल्क रोड मतलब वहाँ पर दूध की उत्पादकता कैसे बढ़े, और सिल्क रोड मतलब कैसे वहाँ शहतूत की खेती कर करके हम रेशम कैसे पैदा करें, इस पर बड़ा काम कर रहे हैं। अभी आपने जानकारी जरूर मिली होगी, मैं 22 तालाब खुदवा रहा हूँ जो 5 एकड़ से लेकर के 25 एकड़ तक, इसमें 2 झीलें भी हैं, ये पूरे प्रदेश में या देश में पहली बार मैं कर रहा हूँ, ये हमारा प्रयोग है। मुझको लगता है कि यहाँ पर उस पूरे क्षेत्र में सर ये रोजगार पैदा करने का भी एक रोजगार पैदा करने के साथ साथ में वहाँ के किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को वाटर लेवी न डाउन हो, और उस क्षेत्र में बहुत सारी चीजें जैसे इतने से बड़े जो तालाब होंगे तो फिशरी हुई, मछली पालन होगा, उसमें कहीं पर सिंगाड़ा की सिंगाड़े खेती की जाएगी। एनवायरनमेंट के हिसाब से कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देना चाहिए, जो बाग हैं और बगीचे हैं, इन पेड़ों की बात अगर हम करें। देखिए, वहाँ पर अरण है, नैमिषारण है, तो नैमिष तो है, अरण लगभग वहाँ पर गायब है। उस अरण को लगाने के लिए कई लाखों पौधे इस बार लगाए गए हैं, उसको लगता है उसकी वजह से काफी कुछ 2-3 साल में आपको दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह जंगल या हमारे 88,000 ऋषि बैठ कर तपस्या किए, हमारे नैमिषारण्य जाना जाता था, आने वाले टाइम पर उसी तरह हमारा नैमिषारण्य अरण के साथ जंगलों के साथ में हमारा नैमिष रहेगा, और तो एक अलग उसका आनंद आएगा। भविष्य में पवन सिंह चौहान जी लोकसभा लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व होता है, भगवान बहुत निर्भर करता है। अगर कभी पार्टी मौका देना चाहे? नहीं, हम उसको नहीं लगता है, हमको जो भी जिम्मेदारी देती है बड़े मन से, बड़े भाव से निभाता हूँ, और बड़े अच्छे से मैं मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, और इसमें जहाँ पर मैं हूँ बहुत संतुष्ट हूँ। और आगे हमको लगता है कि जैसे जो सांगठनिक काम हमको मिलते हैं तो बड़े मन से, बड़े भाव से करता हूँ, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि संगठन से बहुत सारे काम मिलते हैं, वो खूब काम करने का मौका मिलता है। अंतिम प्रश्न है सर, लोकसभा चुनाव में क्या पार्टी ने दायित्व है आपको? लोकसभा में हमको चाहे लखनऊ लोकसभा हो, हमारी मोहनलालगंज हो, या लखनऊ हो, या सीतापुर हो, या हमारी नैमिषारण वो मिश्रिक है, या हमारा धौरहरा है, तो हमारे में तो 4 लोकसभा आती हैं, तो चारों जगह पर मैं पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम करता हूँ। और आगे अभी कल भी मैं माननीय हमारे अशोक रावत जी, माननीय हमारे बसु किशोर जी ने जो जन आशीर्वाद
यात्रा किया था, उसमें पूरे सुबह से लेकर शाम तक पूरा पार्टिसिपेट किया, पूरे मन से किया। उसको लगता है कि पार्टी है, और वो लोग बड़े भागशाली हैं जिनको काम करने मौका मिलता है, तो उनमें एक जरूर भागशाली जिनको काम करने खूब मौका मिलता है और पार्टी खूब देती है काम करने मौका, तो बड़ा आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। ये थे हमारे साथ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान जी।